है एवरी वन वेलकम बैक वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन ए डब्ल्यू सीरीज और इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले अनदर सर्विस दैट इज़ ई सी टू सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो आन देखते हैं वॉट इज ई सी टू तो इसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियोज़ आएंगी सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो ओके सो दिस इज़ पार्ट वन ऑफ ई सी टू तो ई सी टू क्या होता है ओके सो इफ़ यू गो टू यर ए डब्ल्यू एस कंसोल एंड यू सर्च फॉर ई सी टू ठीक है सो यू विल सी दैट दिस इज़ ई ई सी टू विच इज़ लाइक वर्चुअल सर्वर्स इन क्लाउड दिस इज़ दी मोस्ट कॉमन सर्विस जो तुम यूज़ करोगे अपने डे टू डे लाइफ में ओके इफ़ यू आर वर्किंग विथ नॉन सर्वलेस आर्किटेक्चर ओके ठीक है तो अभी इस चीज़ में इतना नहीं चाहते तो ई सी टू को जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो इस तरीके का कुछ कंसोल हमारे सामने खुलता है ओके आई नो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बहुत सारी चीज़ें बट एक ही करके इनको समझते हैं ई का मतलब क्या होता है बेसिकली अगर मैं आपको बोलता हूँ एक सर्वर तो एक सर्वर क्या होता है एक मशीन एक कंप्यूटर जो एक क्लाउड मतलब एक सर्वर रन कर रहा है करेक्ट यही वो चीज़ है ओके okay? यही वो चीज़ है जिसमें तुम खुद के कुछ इंस्टेंसेस ले सकते हो एक यू कैन कॉल टैस लाइक एक वर्चुअल मशीन ले सकते हो एंड यू कैन रन योर सर्वर ऑन दैट तो ये जो कंसोल है ये बेसिकली बहुत ही सिंपल कंसोल है इसमें तुम्हारे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शन आती हैं इस साइड बार में विच इज़ ओके यहाँ पर हमारे पास कुछ रिसोर्सेज आते हैं फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास कितने रनिंग इंस्टेंसेज है दैट इज़ ज़ीरो कितने ऑटो स्किलिंग ग्रुप्स हैं कितने डेडिकेटेड होस्ट हैं की पेयर वैल्यूज़ कितनी हैं इंस्टेंसेज कितने हैं तो ये सिर्फ रनिंग इंस्टेंसेज दिखाता है और ये दिखाता है टोटल कितने लाइक like, टोटल मेरे पास फाइव है लेट से एंड रनिंग इज़ ज़ ज़ीरो तो दैट वे तो हमारे पास कितने इलास्टिक आई पीस लोड बैलेंसर तो बेसिकली ये एक तरह का यू you नो know, एक ओवरव्यू है हमारे इंस्टेंसेज का देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक बटन है लॉन्च इंस्टेंस अगर हमें न्यू इंस्टेंस क्रिएट करना है ओके देन वी हैव दिस हेल्थ कि क्या सब कुछ सही से वर्क कर रहा है तो ये अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं अवेलेबिलिटी जोन्स क्या होते हैं इसके बारे में भी जानेंगे उसके बाद यहाँ पर कुछ और चीज़ें जिनके बारे में हमें वरी करने की जरूरत नहीं है सबसे पहली चीज़ इसमें जो इंपॉर्टेंट है दैट इज़ योर रीजन सो मेक श्योर दैट तुम किस रीजन के अंदर हो देखो अभी मैं नॉर्दर्न वर्जीनिया के अंदर हूँ एंड यू कैन सी दैट एवरी वैल्यू इज़ जीरो मेरे पास कोई इंस्टेंस रनिंग नहीं है कोई कुछ नहीं है राइट right? अगर मैं इसको शिफ्ट करता हूँ मुंबई पे बिकॉज वो मेरे ज़्यादा करीब है तो मैं इसको मुंबई में शिफ्ट करूँगा ओके सो ऐसा मूव इन टू यू नो मुंबई यू कैन सी दैट मेरे पास एक इंस्टेंस है जो बना हुआ है लेकिन मेरे पास रनिंग इंस्टेंसेज ज़ीरो है सो मेक श्योर बी एक्स्ट्रा कॉशियस कि तुम किस रीजन में अपने यू uh, नो you know, इस इंस्टेंस को रन कर रहे हो ठीक है तो वहीं पर वो दिखेगा फॉर एक्जाम्पल अगर जैसे अभी मैं मुंबई में हूँ लेटेस्ट से मैंने एक इंस्टेंस बनाया वो इंस्टेंस रन कर रहा है एंड मैंने गलती से अपनी लोकेशन स्विच कर दी टू नॉर्दर्न वर्जीनिया तो मैं जब वापस आऊँगा तो मुझे वो कहेगा कि कोई भी इंस्टेंस रन नहीं कर रहा है बट एक्चुअली में वो मुंबई में रन कर रहा है एंड वो तुम्हारा बिल बढ़ा सकता है सो so, थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉशियस ओके okay? थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉशियस ओके okay? तो जब तुमने एक बार अपना रीजन सेलेक्ट कर लिया मेक श्योर दैट तुम उस रीजन से स्टिक करोगे उसी रीजन पर वर्क करोगे किसी और रीजन में नहीं जाओगे तो मैं यहाँ पर मुंबई को चूज़ करूंगा एंड अब हम यहाँ पर क्या करेंगे हम यहाँ पर इंस्टेंसेज टाइप को क्लिक करेंगे ओके इंस्टेंसेस तो यू कैन सी दैट यहाँ पर हमारे पास एक इंस्टेंस है दैट इज ट्विटर बैक एंड अब ये कहाँ से आया इफ़ यू रिमेंबर मेरा एक ट्विटर क्लोन का कोर्स है तो ये हमने उसमें बनाया था तो अभी के लिए छोड़ देते हैं ये वैसे भी ये एक स्टॉप्ड इंस्टेंस है तो इसके बारे में वरी करने की जरूरत नहीं है सबसे पहले हमें क्या करना है हमें एक न्यू इंस्टेंस बनाना है तो हम वो किस तरह से बना सकते हैं बहुत ईजी यहाँ पर हमारे पास एक बटन है दैट इज़ लॉन्च इंस्टेंस जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा हमारे पास एक बिजार्ड ओपन होगा जिससे हम क्या कर सकते हैं अपना एक वर्चुअल सर्वर बना सकते हैं राइट यू कैन सी दैट Uh, Amazon EC2 allows you to create virtual machines or instances. Instance basically एक machine होता है, that runs on the AWS cloud. Okay. तो सबसे पहली चीज़ हमारे instance का name क्या होगा, right? तो हमारे instance का name होगा us say that, you know my backend. ठीक है, तो तुम तो तो इसको कुछ भी नाम दे सकते हो. तो मैंने इसको नाम दिया my backend, which is okay. उसके बाद we have to choose some kind of OS. ठीक है, Amazon machine image, AMI. तो AMI क्या होता है? Amazon machine image. तो ये हमारे पास कुछ इमेजेस हैं हम खुद की इमेजेस भी बना सकते हैं ये हमारे पास कुछ इमेजेस हैं जो हम इस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन के ऊपर यूज़ कर सकते हैं ठीक है सो फॉर एग्जांपल वी हैव अमेजान तो ये अमेजान लीनक्स वी हैव मैको एस वी हैव उबुंतू वी हैव माइक्रोसॉफ्ट तो इन सबके क्या अलग अलग प्राइजिंग है अलग अलग फीचर्स हैं यूजअली आई गो विद उबुंदू ओके सो यू कैन गो विद उबुन टू माको इज़ वेरी एक्सपेंसिव तो उसको थोड़ा ध्यान रखना सो आई विल गो विद उबुन तू विच इज़ एक्चुअली लाइट एंड यू नो ईजियर टू यूज़ ओके तो जब हमने एक ए एम आई दैट इज़ एमेज़ोन मशीन इमेज को चूज़ कर लिया उसके बाद हम क्या करते हैं उसके बाद वी चूज़ दी वर्जन ऑफ़ दैट पर्टिकुलर ए एम आई जैसे विंडोज़ होता है राइट right? विंडोज़ के केस में क्या क्या वर्जन है लाइक फॉर एक्जाम्पल यहाँ पे सारे सर्वर वर्जन लाइक यू हैव विंडोज सेवन यू हैव विंडोज एट यू हैव विंडोज टेन यू हैव विंडोज इलेवन सिमिलरली यू हैव हैवोनो ट्वेंटी ट्वेंटी टू एंड ऑल दैट ओके तो मैं अभी लेटेस्ट वर्जन को चूज़ करूंगा दैट इज़ ओबोन ट्वेंटी टू ओके सो so, इसको हम चूज़ कर लेते हैं आई थिंक इसका नेम है जामी राइट या सो दिस इज़ जामी तो ये उबुंतु के नेम्स होते हैं सो वी आर गोइंग विद जामी इससे पहले वाला आई थिंक इट वॉज फोकल ओके सो दैट इज़ ओके उसके बाद कौन सा आर्किटेक्चर यूज़ करना है डू यू वॉन्ट टू गो विद एक्स एटी सिक्स और डू यू वॉन्ट टू गो विद आम तो ये भी ओके okay है ठीक है तो हमने ए एम अभी तक हमने कुछ नहीं किया अभी तक हमने सिर्फ इसका एक नाम रखा है एंड हमने इसको क्या दिया एक एम आई दिया ओके अब ये आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दैट इज़ इंस्टेंस टाइप ठीक है तो अगर तुम यहाँ पर इंस्टेंस टाइप देखोगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ें दैट इज़ टी टू नाइन टी टू माइक्रो टी टू स्मॉल टी टू मीडियम एंड अगर हम नीचे जाते हैं तो हमारे पास एक टी थ्री आता है राइट right? अगर मैं और नीचे आता हूँ तो हमारे पास सी फाइव शुरू हो जाता है तो ये इसको हम कहते हैं फैमिली यू कैन सी दैट जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है फैमिली सी फाइव राइट अगर हम ऊपर आते हैं ये है फैमिली सी फोर अगर हम और ऊपर आते हैं ये है फैमिली टी थ्री तो वट इज़ मेंट बाय दिस फैमिली ठीक है इस फैमिली का क्या मतलब हमें कौन सी फैमिली चूज़ करनी चाहिए तो इसको कहा जाता है दैट दिस इज एन इंस्टेंस टाइप ठीक है तो अगर यहाँ पे तुम डेफिनेशन पढ़ोगे Amazon EC2 provides a wide selection of instance types that is optimized for your fit and different use cases. देखो यार जब तुम कभी भी एक ऑनलाइन इंस्टेंस रन करते हो तो तुम्हारे पास एन नंबर ऑफ़ यूज केसेज हो सकते हैं सम वॉन्ट्स टू हैव मशीन लर्निंग ऑन एट टू जस्ट होस्ट अ सिंपल वेब सर्वर कोई उसके ऊपर इमेज ऑप्टिमाइजेशन कर सकता है कोई उसको स्टोरेज के लिए यूज करना चाहता है किसी को जी पी यूज आना चाहिए किसी को मेमरीज आना चाहिए किसी को स्टोरेज आ चाहिए तो हर एक का अपना अपना केस होता है एंड अपने यूज़ केस के अकॉर्डिंग हम अपनी मशीन को चूज़ करते हैं फॉर एक्जाम्पल जैसे ये हमारी फैमिलीज़ है ओके दीज आर ऑल दी फैमिलीज जैसे अभी तुमने अगर देखा होगा वी हैव टी टू टी थ्री एंड ऑल दैट जैसे फॉर एग्जाम्पल एम सेवन जी तो एम सेवन जी को कब चूज़ करना चाहिए अगर तुम्हें आर्म बेस्ड ग्रेविटन थ्री प्रोसेसर चाहिए तो ये बेस्ट इन परफॉर्मेंस होते हैं ठीक है थेके? इसमें प्रोसेसर अच्छे हैं ठीक है थेके? तो तुम यहाँ पर देख सकते हो दैट कौन से इसके अंदर मेमोरी यूज़ की गई है डी डी आर फाइव यूज़ की गई है एंड इसके अंदर नेटवर्क बैंडवर्ड्स ज़्यादा मिलती है तो ये हमारे आते हैं एम फाइव राइट देन यू कैन गो विद मैक तो मैक इज़ फॉर मैको इज थिंग राइट अगर हम एम सिक्स जी की बात करते हैं तो दीज आर अगेन आर्म बेस्ड एंड इसके अंदर यू गेट यू नो ट्वेंटी फाइव जी बी पी एस ऑफ नेटवर्क विड्स विच इज़ ओके एंड अगर हम यहाँ पर जाते हैं टी थ्री के ऊपर सो टी थ्री आर फॉर यू नो मोर सी पी यूज ओके एंड इफ यू गो वेट टी टू तो टी टू बेसिकली क्या करते हैं ये हम एक बेसलाइन लेवल ऑफ सी पी यू देते हैं ठीक है थीके? तो टी टू होता है बेसिकली एक जर्नल पर्पज यू कैन से टी टू इज़ लाइक जर्नरल पर्पज राइट तो हम टी टू को यूज करेंगे बिकॉज वी जस्ट वॉन्ट अ यू नो जनरल पर्पज इंस्टेंस तो हमें क्या करना है हमें यहाँ पे कौन सी फैमिली चूज़ करनी है हमें यहाँ पे टी टू फैमिली चूज़ करनी है अब टी टू फैमिली के अंदर यू विल सी दैट हमारे पास एक है नानो वी हैव माइक्रो वी हैव स्मॉल वी हैव मीडियम एंड वी हैव लार्ज एक्स लार्ज टू एक्स लार्ज ओके तो बेसिकली क्या हो रहा है अगर तुम इसकी कॉन्फिग्रेशन uh, देखोगे तो जो नानो है वह बहुत छोटा है जिसके अंदर सिर्फ वन सी पी ओ है एंड पॉइंट फाइव जी बी की रैम है राइट right? एंड इसका रेट भी बहुत सस्ता है ओके देन वी हैव टी टू माइक्रो एंड यहाँ पर एक चीज़ मैंशन है दैट इज़ फ्री टीयर अवेलेबल इसका क्या मतलब अभी बताऊँगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका मतलब है टी टू माइक्रो में बेसिकली सी पी यू सेम रहता है लेकिन तुम्हें एक जी बी की मेमरी मिलती है तो पाँच सौ एम बी की मेमरी जो है वो तुम्हें एक्स्ट्रा मिलती है देन यू कैन गो विध वन सी पी यू एंड टू जी बी मेमरी ओके तो इसका प्राइजिंग भी इंक्रीज़ होगा राइट क्वाइट ऑब्वियसली एंड देन यू कैन गो विध लाइक टी टू मीडियम जिसमें टू सी पी ऊज़ मिलते हैं फोर जी बी मेमरी मिलते हैं सो यू कैन सी दट ये बेसिकली क्या है कॉन्फिग्रेशन राइट एंड दिस वन इज़ रियली एक्सपेंसिव यू कैन सी दैट दिस इज़ फोर सी पी यू एंड वन यू नो दिस इज़ सिक्सटी जी बी ऑफ रैम एंड इसका रेट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है एंड दिस वन इज़ मोर एक्सपेंसिव ओके एंड सो बेसिकली ये क्या है टी टू फैमली अब वॉट इज़ दिस फ्री टीयर अवेलेबल देखो यार अगर तुमने जब भी तुम अमेजॉन के ऊपर अकाउंट बनाते हो जब भी तुम अमेज़ॉन के ऊपर साइनअप करते हो ट्वेल्व के लिए तुम्हें फ्री टीयर मिलता है वॉट इज़ फ्री टीयर बेसिकली एक तरह का फ्री टीयर के अंदर तुम्हें बहुत सारी सर्विसेज मिलती हैं जिसको तुम यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट ओके लेकिन सारी सर्विसेज नहीं मिलती फॉर एग्जाम्पल फ्री टीयर का मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पर एक यू नो सी फोर एक्स लार्ज मशीन रन कर लूँगा नहीं यहाँ पे यू कैन सी दैट ओनली एंड ओनली दिस इज़ फ्री टीयर अवेलेबल तो इसका मतलब क्या है दैट अगर तुम्हारा अमेजोन अकाउंट एक साल से अंदर अंदर बनाए ठीक है एक साल के बाद तो इसका भी बिल आएगा ओके okay? बट अगर वो नया नया है और अगर तुम इस पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ करते हो तो तुम्हारा कोई भी बिल नहीं आएगा बिकॉज दिस इज फ्री टीयर एलिजिबल ओके तो एमेज़ॉन अकाउंट बनाने से ट्वेल्व मंथ्स तक यू आर इन फ्री टीयर जिसके अंदर यू कैन यूज़ यू नो उसके अंदर लिमिट्स होते हैं लाइक यू कैन गो विद लाइक यू कैन से फ्री टीयर ए डब्ल्यू एस लिमिट्स सो यू कैन से सर्च फॉर ए डब्ल्यू एस लिमिट्स कि तुम्हें क्या क्या अवेलेबल होता है ओके सो यहाँ पर अगर तुम देखोगे दाट क्या क्या हमें अवेलेबल होता है तो बेसिकली दिस इज़ फॉर ट्वेल्ल मंथ्स ठीक है जैसा मैंने बताया ट्वेल्व मंथ्स के लिए होता है विच इज़ ओके एंड उसके बाद हमें क्या क्या अवेलेबल होता है वो हमें कहाँ से पता लगेगा यहाँ पर एक बहुत बढ़िया चार्ट बना होता है सो यस सो दिस इज़ फ्री टीयर तो देखो फ्री टीयर में तुम्हें सेवन फिफ्टी आर्स पर मंथ मिलते हैं फॉर दैट फॉर टी टू माइक्रो ओनली ठीक है टी टू माइक्रो एंड दिस थिंग टी टू माइक्रो ओनली ओके अगर मैं टी टू मीडियम रन करूँगा तो नहीं तो पहले दिन से पहले आएगा टी टू माइक्रो के लिए सेवन फिफ्टी आवर्स पर मंथ एक मंथ में आर्स कितने होते हैं वन मंथ टू आवर्स सो आई थिंक सेवन फिफ्टी ही होता है राइट सेवन थर्टी सो बेसिकली तुम्हें ये एब्सोल्यूटली फ्री मिल रहा है मतलब अगर ये तुम्हारा पूरा एक साल चलता भी रहेगा तो तुम्हें कोई भी बिल नहीं आएगा थोड़ा सा बिल आएगा बिकॉज यू कैन सी दैट इट इज़ सेवन थर्टी एंड नो सॉरी कोई बिल नहीं आएगा बिकॉज वन मंथ इज सेवन थर्टी एंड यू आर गेटिंग सेवन फिफ्टी आर्स ओके देन यू गेट फाइव जी बी ऑफ़ एस थ्री स्टोरेज यू गेट सेवन फिफ्टी आवर्स ऑफ माइक्रो एमजान आर डी एस तो काफ़ी कुछ हमें फ्री टीयर में मिलता है तो अगर तुम फाइव जी बी तक की स्टोरेज रखोगे एस थ्री में तो तुम्हें कोई भी उसका यू uh, नो you know, बिल uh, नहीं आएगा सिमिलरली फॉर दिस ई सी टू ओके तो उसके बाद हमने इसको टी टू माइक्रो कर दिया नाउ दिस इज़ की पेयर लॉग इन वॉट इज दिस की पेयर लॉग इन बेसिकली एक तरह की की होती है जिससे मैं इस पर्टिकुलर सर्वर को एक्सेस करूंगा इस इंस्टेंस को एक्सेस करूंगा क्या हो अगर मेरी की गुम जाए तो यू कैन नॉट एक्सेस योर सर्वर ओके अगर ये की गुम गई तुम इसको रिकवर नहीं कर सकते अगर ये किसी और के हाथ लगी तो तुम्हारा इंस्टेंस हैक हो गया सो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉश तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू पेयर ओके तो इसको हम आर एस एन पेम रहने एंड इसको मैं नाम दूंगा दैट यू you नो know, वाई टी इंस्टेंस वाई टी इंस्टेंस की तो उसको कुछ भी मैं हम नाम देके क्रिएट करूँगा एंड ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी ये बेसिकली जो की है तो ये मेरे पास और भी काफ़ी कीज़ बनी हुई है तो मैं इसको बोल रहा हूँ दैट इस पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए इस की को यूज़ करना है अगर ये की मुझसे गुम गई डिलीट हो गई तो मैं इसको रिकवर नहीं कर सकता अगर ये किसी और के हाथ लगी तो मेरा इंस्टेंस वो भी एक्सेस कर सकता है तो ये बहुत बहुत सिक्योर वाली चीज़ है इसको संभाल के रखना ओके okay. फिर हम आएंगे नेटवर्क सेटिंग्स में नेटवर्क सेटिंग्स में वो क्या कह रहे हैं दैट यू आर इन दिस वीपीसी पी के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा इट इज़ लाइक अ वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड ओके हम क्या बोल रहे हैं दैट फायरवॉल में क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप एंड allow एस एस एच फ्राम एनी वेयर तो बेसिकली हम इसके ऊपर एक सिक्योरिटी लगा रहे हैं कि एस एस एच के लिए जो ट्रैफिक है वो कहीं से भी आने दो हम इसको और फाइनगिनिंग कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आई कैन से माई आई पी तो इसका क्या मतलब दैट इसके अंदर जो जो ट्रैफिक आएगा जो एस एस एच कनेक्शन होगा जो हम करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ मेरे इस घर के आई पी से ही हो सकता है मतलब कि अगर ये की तुम्हारे हाथ लग भी गई तो भी तुम लॉग इन नहीं कर पाओगे क्यों बिकॉज सिक्योरिटी ग्रुप क्या बोलेगा दैट ठीक है तुम्हारे पास की तो है लेकिन तो हमारे पास ये वाला आई पी एड्रेस नहीं है लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या मेरे पास जो आई पी एड्रेस है वो स्टैटिक नहीं है वो डायनामिक है तो ये आई पी एड्रेस जब चेंज हो जाएगा फिर मैं भी लॉग इन नहीं कर पाऊंगा तो अभी के लिए इसको एनी वे रहने देते हैं कंपनीज़ में यूजुअली एक डेडिकेटेड आईपी यूज़ होता है बिकॉज उनके ऑफिस में स्टैटिक आईपी होता है ओके okay? तो इसका मतलब है दैट ठीक है जिसके पास भी की है उसको वो ये एक्सेस कर सकता है ओके okay, तो इसको हम एनी anyway वे रहने देते हैं कॉन्फिगरेशन इसको हम बोलेंगे एट जी बी तो बेसिकली दिस इज यू नो मेमोरी तो Free Tier Eligible Customers can get up to 30 GB of Elastic Block Storage. Okay. इसका क्या मतलब कि मैं इसको बेसिकली थर्टी जी बी तक लेके जा सकता हूँ उसके ऊपर फिर मुझे bill पड़ेगा uh, तो let it be 8 GB, which is more than enough. Okay. And then we have some advanced details, जिसको हम नहीं छेड़ेंगे ठीक है इसको हम नहीं छेड़ेंगे तो एक बार तुम यहाँ से एक review ले सकते हो ठीक है कि हम Ubuntu ट्वेंटी टू यूज़ करेंगे ठीक है और T2 Micro है एंड इसके ऊपर हम एक न्यू सिक्योरिटी ग्रुप बना रहे हैं यू कैन सी दैट वी आर क्रिएटिंग अ न्यू अगर तुम्हारे पास एग्जस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप्स सेम उनको भी यूज कर सकते हो बट वी विल क्रिएट अ न्यू सिक्योरिटी ग्रुप विच इज ओके इसका नाम क्या होगा लॉन्च विजा ट्वेल्व ठीक है तो ये ऑटोमेटिकली एक नेम देता है जिसको हम बाद में चेंज कर सकते हैं एंड कितनी स्टोरेज हम दे रहे हैं हम इसको एट जी बी की स्टोरेज दे रहे हैं सो फ्री टीयर यहाँ पर एक यहाँ पर हमारे लिए एक मैसेज है इन योर फर्स्ट ईयर इंक्लूड सेवन फिफ्टी आयर्स ऑफ टी टू माइक्रो और टी थ्री माइक्रो भी हम ले सकते हैं ठीक है थेके? एंड उसके बाद थर्टी जी बी ऑफ ई बी एस टू मिलियन इनपुट आउटपुट्स एंड वन जी बी ऑफ स्नैपशॉट हंड्रेड जी बी ऑफ बैंडविट्स ऑफ द इंटरनेट तो ये सब कुछ मिलता है फ्री टीयर के अंदर अब जैसे ही मैं लॉन्च इंस्टेंस के ऊपर क्लिक करूँगा तो क्या होगा ये कुछ चीज़ें हमारे लिए बनाएगा कुछ रिसोर्सेज बनाएगा एंड अब अगर मैं वापस अपने इंस्टेंसेज पर जाता हूँ यू कैन सी दैट ये अभी पेंडिंग स्टेट में क्यों बिकॉज वो मशीन अभी प्रिपेयर हो रही है वो मशीन अभी बन रही है ओके okay? एक मशीन को ऑन होने के लिए कुछ टाइम लगता है तो टेक्निकली अगर मैं इसको बार बार रिफ्रेश करता हूँ वो मशीन अभी किस स्टेट में अभी वो पेंडिंग स्टेट के अंदर है तो थोड़ा सा वेट करते हैं इस मशीन को ऑन होने देते हैं एंड वो मशीन ऑन हो गई मेरे बोलते बोलते कैन सी दैट अभी ये मशीन जो है ये रन कर रही है तो तुम इस इंस्टेंस आईडी के ऊपर क्लिक कर सकते हो तो ये मशीन का एक इंस्टेंस आईडी बन गया इसका एक पब्लिक आई पी फोर एड्रेस बन गया तो दिस इज आर पब्लिक आईपी ऑफ आर मशीन दिस इज आर प्राइवेट आईपी ऑफ द मशीन इसका पब्लिक आई डी मतलब एक डोमेन मिल जाता है हमें अमेजोन की तरफ से जिससे मैं इस सर्वर को एक्सेस कर सकता हूँ प्राइवेट आई एड्रेस डी उसके बाद इंस्टेंस टाइप है आई पी वी फोर ऑटो असाइंड आई दिस इज इंपॉर्टेंट ओके ऑटो असाइंड आई इज इंपॉर्टेंट ठीक है तो इसका क्या मतलब है देखो ऑटो असाइंड है मतलब कि ये जो हमें आईपी मिला है ना ये ना डायनामिक है ये, ये स्टैटिक नहीं है ये ना कभी भी चेंज हो जाएगा विच इज़ नॉट अ गुड थिंग राइट ये एक ऑटो असाइंड आईपी है ठीक है हमने असाइन नहीं किया ये ऑटोमेटिकली असाइन हो गया इसका इसका नुकसान किया दैट आज अगर मैं इस मशीन से कनेक्ट करूँगा यूजिंग दिस आई हो सकता है कल कोई आई एड्रेस चेंज हो जाए तो हमें क्या चाहिए हमें एक स्टैटिक आई चाहिए तो वो हम अभी कनेक्ट करेंगे ओके okay? एंड और हमारे पास क्या क्या है हमारे पास और डिटेल्स हैं तो अब एक काम करते हैं एक आईपी एड्रेस लेते हैं इसके लिए तो सबसे पहले हमें एक आईपी एड्रेस लेना है तो वो हम कैसे ले सकते हैं अगर तुम यहाँ पर जाओगे एक साइड बार में तो यहाँ पर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी के अंदर यू हैव इलास्टिक आई तो हमें इलास्टिक आई के अंदर जाना है अ, मेरे पास ऑलरेडी एक इलास्टिक आई पी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ सो एज ऑफ नाउ एक सेकेंड में इसको डिलीट करते हैं इसको हम बोलेंगे रिलीज़ ओके एक्चुअली दैट इंस्टेंस इज रनिंग ठीक है अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं हमें करना है एलोकेट इलास्टिक आई एड्रेस ठीक है किस रीजन में इस रीजन में ठीक है सब कुछ हो गया कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है एंड हम बोलेंगे एलोकेट इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने ना अमेजोन से ना एक आईपी एड्रेस ले लिया ये वो आईपी एड्रेस मिल गया मुझे अब देखो मैंने अमेजोन से एक आईपी एड्रेस ले लिया ठीक है क्या इसके कुछ चार्जेस हैं बहुत अजीब तरह से इसके चार्जेस होते हैं क्या अभी ये जो आई एड्रेस है क्या मैंने इसको यूज़ कर लिया नहीं किया ना एक इंस्टेंस रन कर रहा है ठीक है एक आई एड्रेस ले लिया ठीक है क्या इस आई एड्रेस को मैं यूज़ कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ तो मेरे चार्जेस पड़ रहे हैं अगर मैं इसको इस मशीन के साथ कनेक्ट कर देता हूँ तो क्या ये अनयूज है नहीं क्या इसके चार्जेस पड़ेंगे नहीं अगर मैं इसको वापस से डिस्कनेक्ट कर देता हूँ और ये सिर्फ पड़ा रहता है मेरे पास आईपी एड्रेस मतलब मैं इसको रिलीज़ नहीं कर रहा तो चार्जेस पड़ेंगे अगर मैं इसको रिलीज़ कर दूंगा वापस से तो मेरे को चार्जेस नहीं पड़ेंगे अभी ये आईपी एड्रेस अनयूज है तो मेरे पैसे लगेंगे तो इसको फटाफट जाके हम क्या कर सकते हैं एक्शंस इसको मैं बोलूँगा एसोसिएट आई एड्रेस मैं इसको एसोसिएट करूँगा ठीक है एंड उसके बाद हम क्या करेंगे हम इसको बोलेंगे किस इंस्टेंस को एसोसिएट करना है? तो यहाँ पे मेरे इंस्टेंसेस आ गए राइट तो इसमें से हम अपना इंस्टेंस चूज कर लेंगे दैट इज़ माय बैक एंड एंड मैं इसको बोलूंगा एसोसिएट जैसे मैंने इसको एसोसिएट पे क्लिक किया क्या अब मेरे चार्जेस पड़ रहे हैं इसके ऊपर नहीं पड़ रहे क्यों बिकॉज ये अनयूज नहीं है तो अमेजोन कहते हैं कि यार देखो तुम अगर कोई हैपी एड्रेस ले रहे हो तो उसको यूज़ करो अगर तुम उसको यूज़ नहीं करोगे तो मैं तुमसे पैसे लूँगा अगर तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है तो उसको रिलीज़ करो उसको फ्री करो है ना तो फ्री करने के लिए हम क्या कर सकते हैं उसको रिलीज़ कर सकते हैं ठीक है तो हमें ये आई एड्रेस मिला और हमने इसको एसोसिएट कर दिया तो दैट इज़ थ्री अब अगर मैं वापस अपने इंस्टेंसेस पे जाता हूँ मैं अपने बैक एंड के ऊपर क्लिक करता हूँ सो यू विल सी अब हमारा आईपी एड्रेस क्या है थ्री पॉइंट सिक्स पॉइंट सिक्स टू जो हमने अभी लिया ऑटो असाइंड आईपी चला गया अब ये आईपी एड्रेस कभी भी बदलेगा नहीं ठीक है अब ये आईपी एड्रेस कभी भी नहीं बदलेगा विच इज़ अ गुड थिंग ओके यहाँ पर और हमारे पास इन्फॉर्मेशन है वी हैव सिक्योरिटी वी हैव नेटवर्किंग वी हैव स्टोरेज वी हैव स्टेटस चेक तो यू कैन सी ठीक है एंड उसके बाद हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं कनेक्ट करने के क्या क्या तरीके हैं यू कैन कनेक्टेड बाय ब्राउजर तुम उससे एस कर सकते हो तुम सेशन मैनेजर यूज़ कर सकते हो अभी के लिए ई सी टू इंस्टेंस कनेक्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में एस एस एच को समझेंगे ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एस एस एच अभी के लिए यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस कनेक्ट एंड ये क्या करेगा ये एक ब्राउजर बेस्ड कनेक्शन खोलेगा तो ये मेरा वो आई ये मेरा वो इंस्टेंस uh, है जो रन करा है ना यू कैन सी दैट मैं इसके ऊपर पूरा एक उबंतु को रन कर सकता हूँ राइट सो आई कैन से एल मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ यू नो पी डब्ल्यू डी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी ओके मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ sudo apt ए पी टी गेट अपडेट बेसिकली हमारा क्या चल रहा है हमारा ए पी टी गेट अपडेट ठीक है तो ये अपडेट हो जाएगा तो बेसिकली ये पूरा एक Ubuntu चल रहा है ये हमने ए एम आई क्या चूज़ किया था Ubuntu 22 तो ये पूरा हमारा एक सर्वर चल रहा है जिसके अंदर मैं कुछ भी कर सकता हूँ मैं यहाँ पे अपना नोट का सर्वर रन कर सकता हूँ मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ ओके okay. सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ़ ई सी ये तो ये पूरी एक वर्चुअल मशीन है जिसका टर्मिनल एक्सेस हमें मिल चुका है वहाँ पर देखो जब भी तुम सर्वर से सर बात करते हो यू हैव टू बी वेरी गुड इन लिनक्स एंड सी एल आई बिकॉज हमारे पास यू आई अवेलेबल नहीं होता ओके okay? तो यस यू नीड लिनक्स फंडामेंटल्स एंड सी एल आई यू नो नॉलेज टू ऑपरेट विद दिस मशीन ओके तो हम इसके अंदर कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हैं गिट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आता है राइट यू कैन सी गैट गेट इज़ इंस्टॉल्ड एंड इट ऑल्सो हैज विम इंस्टॉल्ड यू कैन सी दैट विम भी इसके अंदर इंस्टॉल्ड आता है तो ऐसी कुछ चीज़ें जो इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड आती है एंड दिस इज योर वर्चुअल मशीन अभी तो हम इसको ब्राउजर बेस्ड कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में हम एस एस एच को समझेंगे और वीडियो को एंड करने से पहले मेक श्योर दैट तुम इन चीज़ों को डिलीट कर रहे हो या इनको स्टॉप कर रहे हो नहीं तो क्या होगा तुम्हारा बिल आ जाएगा तो तुम क्या कर सकते हो इस मशीन के ऊपर क्लिक करो गो टू इंस्टेंस स्टेट तुम इसको स्टॉप कर सकते हो तुम इसको रीबूट कर सकते हो तुम इसको टर्मिनेट कर सकते हो ठीक है स्टॉप का मतलब क्या होगा बेसिकली स्टॉप हो जाएगा डिलीट नहीं होगा एंड तुम्हारा कोई बिल भी नहीं आएगा ओके टर्मिनेट का मतलब क्या होगा कि तुमने इसको खत्म ही कर दिया ठीक है तो अभी के लिए हम इसको स्टॉप कर लेते हैं आई नो वी आर इन फ्री टीयर हमारा वैसे भी कोई बिल नहीं आएगा बट ठीक है मेरा मेरी ड्यूटी एक्सप्लेन करना बिकॉज सभी के पास फ्री टीयर नहीं होता एंड प्रोडक्शन वर्ल्ड में यू डोंट हैव अ फ्री टीयर राइट सो मेक श्योर दैट अगर कोई इंस्टेंस अनयूज है तो उसको यूज़ नहीं कर रहे तो तुम तो उसको स्टॉप एंड टर्मिनेट करो ठीक है अब यहाँ पर स्टॉप करने का एक नुकसान क्या होगा बिकॉज मैंने इसको स्टॉप कर दिया तो हमारे आई एड्रेस का बिल आ सकता है राइट ठीक है तो तुम उसको भी क्या कर सकते हो तो वो भी मैं तुम्हें एक बार सिखा देता हूँ तो यू हैव टू गो टू दिस इलास्टिक तो आई ठीक है तुम पहले इसको डिसएसोसिएट करो तो ओके जैसे डिसएसोसिएट ठीक है मेरे पास दो आई पे डिसिज है इनफैक्ट मैं दोनों को ही डिसएसोसिएट कर देता हूँ तो मैंने दोनों को क्या कर दिया डिसएसोसिएट कर दिया एंड अब मैं क्या कर सकता हूँ अब इन दोनों का मुझे बिल आ रहा होगा क्यों बिकॉज दोनों डिसएसोसिएटेड है आ, मतलब कनेक्टेड नहीं है अब मैं इनको रिलीज़ कर देता हूँ कि मैं इसको रिलीज़ कर रहा हूँ मतलब मुझे नहीं चाहिए मैं इनको रिलीज़ कर रहा हूँ सो दैट इसको कोई और यूज़ कर सके एंड मेरे पे बिल ना आए मैंने किया रिलीज़ एंड मेरे इलास्टिक आई पे चलेगा तो ये हमने छोटा सा क्लीन अप किया सो आई होप दैट एक बेसिक लेवल के ऊपर ई के बारे में पता लगा होगा ई क्या होते हैं कैसे बना सकते हैं बहुत बेसिक वीडियो था बहुत ओवरव्यू था आने वाली वीडियोज़ में इन चीज़ों को समझेंगे दैट लोड बैलेंसर्स क्या होते हैं ऑटो स्केलिंग क्या होती है एंड देन वॉट इज दिस यू नो ई एम आई इसके बारे में हमने देखा उसके बाद हम सिक्योरिटी uh, ग्रुप्स को देखेंगे की पेयर्स को देखेंगे नेटवर्क इंटरफेसिस को देखेंगे तो आने वाली वीडियोस में इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अंटिल देन बाय बाय टेक केयर